नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक ट्रैक्टर की वायरिंग जो है किस प्रकार से की जाती है। ये हमारा 575 DI ट्रैक्टर है जिसके इंडिकेटर डैशबोर्ड वगैरह के अंदर कुछ भी काम नहीं करता। इंडिकेटर की आप हालत देखिए किस प्रकार से हो रखी है। और जब हमने इस काम को पूरा कर दिया उसके बाद देखिए अब ट्रैक्टर किस प्रकार से दिखता है। इस काम को पूरा करने में हमें 15 दिन का समय लगा, जिस वजह से अगर इसकी पूरी वीडियो बनाई जाए तो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम जो है कुछ मेन और मुख्य भागों को कवर करेंगे। ट्रैक्टर की वायरिंग से संबंधित आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हम ट्रैक्टर के इंडिकेटर को खोलते हैं, क्योंकि ये लोहे के बने हैं तो इनकी डेंटिंग और क्रैक्स वगैरह को रिपेयर करके कैन स्प्रे पेंट से सबसे पहले हम इनके ऊपर स्प्रे करते हैं। बाहर के कवर जो है उसका कलर जो है ब्लैक था, तो उसके लिए हमने ब्लैक कैन स्प्रे काम में लिया और अंदर जहाँ से रिफ्लेक्शन मिलता है लाइट का उस एरिया के ऊपर हमने जो है सिल्वर कैन स्प्रे को यूज़ किया। अब इसके बाद इंडिकेटर कवर, ग्लास, बल्ब, रिफ्लेक्टर और वायरिंग को असेंबल करके इंडिकेटर को इंस्टॉलेशन के लिए तैयार कर दिया गया है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम के हार्ट यानी कि ट्रैक्टर के डैशबोर्ड को खोलते हैं, क्योंकि सारी वायरिंग्स जो है डैशबोर्ड से कनेक्टेड होती है, इसलिए हम वहीं पे सबसे पहले वायरिंग करेंगे और डैशबोर्ड के सारे मीटर और लाइट्स को रिपेयर करेंगे। डैशबोर्ड में हमारे सारे मीटर वगैरह प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे, फ्यूल मीटर को छोड़ के। तो हमारा फ्यूल मीटर तो बिल्कुल ओके है, पर जो अपनी फ्यूल यूनिट होती है जो फ्यूल टैंक के अंदर लगी रहती है वो ख़राब थी, इसलिए अब हम फ्यूल यूनिट को चेंज करते हैं। फ्यूल टैंक यूनिट आपको शॉप पे मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको जो टैंक के अंदर फ्यूल यूनिट लगी है उसको निकाल के और साथ में लेके जाना पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट आपके फ्यूल यूनिट के टाइप और साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए 200 से लेके और 500 रुपये के बीच में आपको ये फ्यूल यूनिट पड़ेगी। फ्यूल टैंक यूनिट लगने के बाद अब अपना काम आ जाता है डैशबोर्ड के ऊपर। आज हमने डैशबोर्ड के अंदर जो भी इसके मीटर वगैरह के अंदर लाइट वगैरह होती है उनके सारे कनेक्शन जो हैं कर दिए हैं, उनकी कंप्लीट हो चुकी है वायरिंग। इसके साथ साथ हेडलाइट के स्विच वगैरह को लगा दिया है, ये अपना फ्यूज़ बॉक्स है। जब भी आप पूरे ट्रैक्टर की वायरिंग या इस तरीके का काम करें तो उस टाइम जो है आपको एक बात का ध्यान रखना, आपको फ्यूज़ बॉक्स कंपल्सरी लगाना होता है, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ फॉल्ट हुआ तो फ्यूज़ बॉक्स जो है आपको बचा देगा। और आज हमने जो है आगे की पूरी वायरिंग कंप्लीट कर दिया, फ्यूज़ बॉक्स और यहाँ तक की वायरिंग को जो है कवर लगा के और कंप्लीट कर दिया है। सारे शॉकेट वगैरह जो है इसमें लग चुके हैं, यानी कि अपना डैशबोर्ड का काम पूरा हो चुका है। अब इसको सिर्फ फिट करना है और लास्ट के अंदर वायरिंग के शॉकेट जोड़ने हैं। ट्रैक्टर आप देखिए, हमने बिल्कुल इसकी शो वगैरह उतार रखी है, पूरी वायरिंग हमने अभी जो है बाहर निकाली हुई है, मतलब सारी वायरिंग जो है हमने नहीं की है इसके अंदर। चलिए तैयार इंडिकेटर को ट्रैक्टर के अंदर लगा देते हैं, उसके बाद पीछे की वायरिंग करेंगे। इंडिकेटर्स लग चुके हैं, पीछे की वायरिंग तैयार है, अब टाइम है इस वायरिंग को इंस्टॉल करने का।
आज हमें 13 दिन हो चुके हैं इस काम पे लगे हुए। ये अपना पूरा सामान पड़ा है यहाँ पे, और ये अपनी मेन हेडलाइट हैं जिनकी वायरिंग कंप्लीट है। ये अपना डैशबोर्ड है जिसकी वायरिंग कंप्लीट है, बस फिटिंग बाकी है इसका। और ट्रैक्टर को आपको दिखाते हैं, हॉर्न वगैरह और ड्यूअल हेडलैम्प रिले जो है लग चुकी है। ये अपनी इसकी वायरिंग आ गई। आज पूरे 14 दिन हो चुके हैं हमें इस ट्रैक्टर पे काम करते हुए, और आज पॉसिबल है इस काम को कंप्लीट कर देंगे। शो लगा दी और डैशबोर्ड फिटिंग का काम जो है वो बचा हुआ है अपना। इसके आगे की जो भी वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, डैशबोर्ड को जो अभी लगाना बाकी है। चलिए डैशबोर्ड को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं ट्रैक्टर को। पूरे 14 दिन मेहनत करने के बाद आज अपना काम हो चुका है कंप्लीट। चलिए अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले स्विच को ऑन करेंगे। मेक श्योर सारे फ्यूज़ जो हैं आपने फ्यूज़ बॉक्स में लगा दिए हों। हेडलाइट, हजार्ड लाइट, इंडिकेटर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। मेन लाइट है वो भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमने रेडिएटर के ऊपर एक छोटी लाइट भी लगाई थी, वो भी चलिए आपको दिखाते हैं। डैशबोर्ड में आप देखिए फ्यूल मीटर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जो अपने इसके अलावा टेम्परेचर और ऑयल प्रेशर के मीटर वगैरह हैं वो सब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, और इनकी लाइट भी चल रही है। और ये अपने टर्न इंडिकेटर वगैरह के बटन्स हैं। किसान भाइयों, इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस अपलोड होती है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी न किसी प्रकार से आपकी हेल्प करना। इसलिए हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि आपके लिए नई से नई जानकारी हम लेकर के आएँ। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो और किसान भाइयों की हेल्प हो सके, इसलिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। ये सब जानकारी थी ट्रैक्टर वायरिंग के ऊपर। इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको ट्रैक्टर वायरिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप वीडियो के नीचे लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ज़्यादा बातें या डिटेल से वायरिंग को नहीं बता पाए, क्योंकि अगर हम उन सब चीज़ों को वीडियो में ऐड करते हैं तो वीडियो की लंबाई जो है काफ़ी बढ़ जाती है, और उसे समझना भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। अगर आपको थोड़ा बहुत वायरिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने लेज़र लैंड लेवलर के अंदर कंप्लीट वायरिंग की थी, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा वायरिंग के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं आगे किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।